हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स। मेरा नाम है डॉक्टर संजय पटेल और आज का लेक्चर आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आप देखेंगे कि जब लास्ट ईयर पेपर उठाएंगे जो उससे पहले के जितने पेपर हुए हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड, तो उसका कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा था, कैसे वर्क करता है, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, ये सारी बातें हमने देखी थी। तो आज हमको देखना है डायोड, पीएन जंक्शन डायोड जो होता है तो उसमें कैसे करंट फ्लो करती है, बायसिंग कैसे होती है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है, और इससे जो आपके जेई मेन्स 2020 में क्वेश्चन आया वो हम लोग देखेंगे, कुछ एम्स के क्वेश्चन देखेंगे, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है पूरा देखिएगा इसको, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, हम डायोड से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे डायोड का सिंबल बना हुआ है, ये है डायोड का सिंबल, ये पी साइड है, ये एन टर्मिनल है। ठीक है, ये पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है। तो अब ऐसे एक बार एम्स में पूछ लिया गया था कि कोई डायोड है तो उसके दोनों एंड को अगर पी टर्मिनल और एन टर्मिनल को हम किसी वायर से कनेक्ट कर दें तो उसमें कितनी करंट फ्लो करेगी, तो आई इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इसमें कोई बायसिंग नहीं है, तो जब कोई बायसिंग नहीं होगी तो कोई नेट करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा जीरो। ऐसे सिंपली अगर कोई डायोड है उसको वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो उसका करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो नेट करंट इसमें आ गए जीरो, ये एम्स का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमको देखना है मेनली यहाँ पे बायसिंग, क्योंकि बायसिंग से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ पे, तो हम देखेंगे बायसिंग। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बायसिंग ऑफ डायोड, तो बायसिंग दो तरह की होती है। ठीक है, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग, इसको हम एफ बी बोलेंगे, एक होती है रिवर्स बायसिंग, इसको हम आरबी बोलेंगे। आरबी मीन्स रिवर्स बायसिंग, एफ बी मीन्स फॉरवर्ड बायसिंग। अब देखिए, अब इसमें जो आपको याद रखना है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, पी टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ठीक है, पी पी दोनों सेम होते हैं। फॉरवर्ड जब भी आपके दिमाग में आए कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, तो पी पी, ठीक है, पी टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का जो एक्सटर्नल बैटरी है यहाँ पे उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा जब पी एंड से जोड़ा जाएगा तो वो होगा फॉरवर्ड बायसिंग। यहाँ पे देखिए बैटरी है, इसका पी पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो जब पॉजिटिव टर्मिनल पी से जुड़ा हो तो वो फॉरवर्ड बायसिंग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे रिवर्स बायसिंग दिया गया, तो रिवर्स बायसिंग में जस्ट इसका उल्टा होगा। ठीक, तो ये आप याद कर लो, फॉरवर्ड बायसिंग आप याद रखो कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जब पी टर्मिनल से जोड़ा जाएगा तब वो होगा फॉरवर्ड बायसिंग, और रिवर्स बायसिंग इसका उल्टा हो जाएगा। दैट्स मीन जब नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का पी साइड से जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा रिवर्स बायसिंग। बस दोनों आपको तुरंत डिफरेंशिएट कर लोगे, तो फॉरवर्ड बायसिंग आप याद रखो, रिवर्स तो वैसे याद रहेगा, फॉरवर्ड की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। ठीक है, और जब अभी आपको बताएंगे कि अनबायस कंडीशन कब होगी वो भी हम लोग देखेंगे आगे। अब यहाँ पे दोनों तरह की बायसिंग का एक कंपेरिजन मैंने बनाया हुआ है, एक टेबल है यहाँ पे, ये है आपका फॉरवर्ड बायसिंग और ये इस तरफ जो इस बॉक्स में है वो है रिवर्स बायसिंग कंडीशन। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, एक्सटर्नल बैटरी रिपेल द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव टूवर्ड जंक्शन एंड विद आप डिप्लेशन लेयर इज डिक्रीज। ठीक, जब एक्सटर्नल बैटरी लगाई जाती है किसी फॉरवर्ड बायसिंग करने के लिए, किसी डायोड में जब एक्सटर्नल बैटरी लगाई जाती है तो वो एक्सटर्नल बैटरी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रिपेल करता है। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रिपेल करेगा और टूवर्ड्स द जंक्शन रिपेल करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी डिप्लेशन लेयर जो होती है तो वो कम हो जाएगी, डिप्लेशन लेयर की जो विद होती है वो कम हो जाएगी। और यही चीज आप जब रिवर्स बायसिंग में देखें तो इसका उल्टा हो देखा जाए, तो एक्सटर्नल बैटरी अट्रैक्ट द चार्ज सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, एक्सटर्नल बैटरी क्या करती है, यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है, जबकि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता था, एक्सटर्नल बैटरी जो होती थी वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रिपेल करती थी। तो ये दोनों में डिफरेंस आप याद रखेंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे, एक्सटर्नल बैटरी अपोज द पोटेंशियल बैरियर, ये वीवी लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, या बैरियर पोटेंशियल बोल सकते हो या बैरियर वोल्टेज बोल सकते हो, तो एक्सटर्नल बैटरी अपोज द बैरियर वोल्टेज, मतलब कि बैरियर वोल्टेज यहाँ पे डिक्रीज होगा। अब रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, एक्सटर्नल बैटरी सपोर्ट द बैरियर वोल्टेज। ठीक है, जो बैरियर वोल्टेज होता है जो करंट को फ्लो करने से रोकता है तो उसको बढ़ाएगा, मतलब रिवर्स बायसिंग में आपकी करंट कम होगी। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट बहने, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, करंट आसानी से फ्लो करेगी, और रिवर्स बायसिंग में करंट आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगी क्योंकि यहाँ पे जो बैरियर वोल्टेज है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पे। अब देखिए फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, आई डिफ्यूजन जो होता है वो ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा होता है। अब रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, धीरे धीरे डिफ्यूजन करंट कम होना शुरू होती है और ड्रिफ्ट करंट बढ़ती जाती है। ठीक है, तो एक टाइम आता है जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों सेम हो जाती हैं, तो वहां पे हो जाता है कि वो सैचुरेशन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें लास्ट पॉइंट में दिया करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, करंट जो फ्लो होती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू फ्लो होती है, और कहां से कहां तक जाती है, पी से एन की तरफ करंट फ्लो होती है। ये सारा चीज हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, तो आपने अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। अब रिवर्स बायसिंग में होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर,
ठीक है। यहाँ पे रिवर्स बायस में जो आई आर होता है, आई आर हम रिवर्स करंट बोलते हैं, तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू फ्लो करती है और एन साइड से पी साइड के थ्रू फ्लो करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो रिवर्स बायसिंग करंट होती है वो एन टू पी फ्लो करती है और जो फॉरवर्ड बायसिंग करंट होती है वो पी टू एन फ्लो करती है। अब अगर हम आपको समझाना चाहें तो देखिए, ये फॉरवर्ड बायसिंग, क्योंकि पी टर्मिनल आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ एक्सटर्नल बैटरी है, तो एक्सटर्नल बैटरी क्या करती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रिपेल करती है और टुवर्ड्स द जंक्शन रिपेल करती है। तो ये इसमें क्या होगा, अब होल्स इस तरह मूव करेंगे तो करंट जो आपकी फ्लो करती है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, लेकिन होल्स में पॉजिटिव चार्ज माना जाता है तो जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है उसी तरफ करंट का भी फ्लो होता है। तो यहाँ पे करंट हो जाएगी पी टू एन, ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग मैंने बताया था कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो एक्सटर्नल बैटरी होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रिपेल करती है टुवर्ड्स द जंक्शन, ठीक है, जंक्शन की तरफ रिपेल, जंक्शन की तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रिपेल करती है। तो उससे क्या होता है, जो ये विद है डिप्लेशन लेयर की, ये कम हो जाती है, ठीक है। जब ये होल्स इधर मूव कर जाएंगे तो और पास में आ जाएंगे तो क्या होगा, आपका विद जो होगा ये कम हो जाएगा। अब यही कंडीशन अगर रिवर्स बायसिंग में कर दी जाए, ठीक है, तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, जो पी साइड होता है, जो पी टर्मिनल होता है वो नेगेटिव से कनेक्ट होता है। तो अब इससे क्या होता है, जब रिवर्स बायसिंग होती है तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को अट्रैक्ट करता है, मतलब कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस तरफ, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ये हो गया, तो ये क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जा नहीं पाएंगे इस तरफ, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होगा तो करंट यहाँ पे कम हो जाएगी, तो डिप्लेशन लेयर भी बढ़ जाएगी, जो डिप्लेशन लेयर की विद है, तो जब इलेक्ट्रॉन और इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो ये लेयर आपस में ये क्या होगा, इसकी विद जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो रिवर्स बायसिंग में डिप्लेशन लेयर बढ़ जाता है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। बस अब सिंपल चीजें इसमें पूछा जो गया है वो रिवर्स बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग ही पूछा गया है, कब रिवर्स बायसिंग कहा जाएगा, कब फॉरवर्ड बायसिंग कहा जाएगा, तो वो अभी आगे हम लोग एग्जांपल लेके भी देख लेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, अब देखिए इसमें करंट का फ्लो देखा जाए रिवर्स बायसिंग में, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल तो इधर से करंट जाएगी, तो रिवर्स बायसिंग में करंट एन टू पी की तरफ जाएगी, तो ये आपको याद रखना है। फॉरवर्ड बायसिंग में पी टू एन जाती है करंट, और रिवर्स बायसिंग जो कि आई आर होता है वो एन टू पी फ्लो करती है करंट। तो इतना आपको याद रखना है, बाकी आगे हम लोग देखते हैं अभी। तो अब हमको देखना है वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग एंड वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्स बायसिंग। तो ये है डायोड करेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है, ये तो है डायोड करेक्टरिस्टिक कर्व। ये हम देखेंगे वी आई का करेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, और ये देखेंगे रिवर्स बायसिंग का। तो रिवर्स और फॉरवर्ड का पहले हम देखेंगे, उसके बाद किसी डायोड का बताएंगे। अब डायोड में दोनों हो सकता है, फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग, तो उसको कंबाइन तरीके से यहां देख लेंगे, पहले अलग अलग हम लोग देखेंगे। तो अब ये जो मैं समझाने जा रहा हूं, तो ये पहले मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि ये है क्या, ये कभी पूछा भी जाएगा कि नहीं, तो पूछे जाने की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो इसको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब इसमें एक टर्म आएगा नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अब जो एक्स एक्सिस पे होता है यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज होता है, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज होता है एक्स एक्सिस पे, इसको हम लोग बोलेंगे वी से डिनोट करते हैं, तो वी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए जब वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ से देखिए करंट फ्लो शुरू होती है, ठीक है, यहाँ से करंट ऐसे धीरे धीरे उठेगी, धीरे धीरे ऐसे जाती जाएगी, फिर अचानक से एक वोल्टेज ऐसा आएगा जब वो बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर जाएगा तो वहां से करंट अचानक बढ़ेगी, ठीक है, ये करंट अचानक बढ़ेगी ऐसे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे नी वोल्टेज, जहां से करंट बढ़ना शुरू हुई इसी को हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। तो ये आपको याद रखना है, इसको क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज बोलेंगे या कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं, कट इन वोल्टेज। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जहां से करंट बढ़ना शुरू होती है, जहां से करंट बढ़ना शुरू होती है उसको हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। अब इसकी वैल्यू अगर आप याद रखना चाहो तो याद कर लो, पहले हम देख लेते हैं करंट, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये करंट हो गई आपकी, तो किस रेंज की होती है ये भी आप देख लो। तो जो भी करंट आएगी फॉरवर्ड बायसिंग वो मिली एम्पियर रेंज की होती है, ठीक है, मिली एम्पियर रेंज की करंट यहाँ पे निकल के आएगी। तो देखिए अब ये कोई वोल्टेज, वो वोल्टेज रहा होगा जैसे जो नी वोल्टेज हुआ, तो ये कोई जो बैरियर पोटेंशियल रहा होगा, तो उस बैरियर को क्रॉस कर जाओ उसके बाद तो करंट बढ़नी ही बढ़नी है, ठीक है। जब भी आप बैरियर को क्रॉस कर जाओगे तो वोल्टेज जो होता है, जो बैरियर को क्रॉस करोगे, जो बैरियर पोटेंशियल होता है उसको क्रॉस कर जाओगे तो करंट बढ़ेगी, तो वही बैरियर पोटेंशियल हो जाएगा नी वोल्टेज। तो उसकी वैल्यू होती है सिलिकॉन के लिए कितना होता था, सिलिकॉन के लिए होता था 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपका जर्मेनियम के लिए होता था 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो अप्लाइड वोल्टेज इसके ऊपर जैसे जाओगे वैसे करंट बढ़ना शुरू हो जाएगी, यहां तक जब जाओगे तो करंट देखो धीरे धीरे फ्लो कर रहे, धीरे धीरे फ्लो कर रहे, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप इस बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर जाओगे, उसके ऊपर जो भी वोल्टेज आप अप्लाई करोगे, जैसे ही अप्लाई करोगे तो करंट अचानक से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जहां से करंट अचानक से बढ़ना शुरू हो जाएगी उसी को हम लोग नी वोल्टेज बोलते हैं या कट इन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज बोला जाता है, इसको आप याद कर लो।
तो ये हो गया आपका करेक्टरिस्टिक ऑफ VI, ठीक है। VI का करेक्टरिस्टिक होगा फॉरवर्ड बायसिंग में। अब हम देखेंगे रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में क्या होता है, उसके बाद एक सिंपल डायोड का भी देख लेंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो एक डायोड में नजर आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमको यहां देखना है, तो उससे पहले हम देखेंगे रिवर्स की कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। तो VI करेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्स बायसिंग, इसका फिगर मैंने यहां बना दिया है, तो इसमें हमको देखना है। तो यहां पे क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट बढ़ती जाती है, और जब वो डिफ्यूजन करंट के बराबर हो जाएगी तो उसी को हम लोग सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, तो ठीक है। तो यहां से शुरू होगी ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि उसका डायरेक्शन निगेटिव होता है, इसलिए नीचे की तरफ ग्राफ आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा VI करेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, डिफ्यूजन करंट कम होती है, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट जो आपकी होती है वो बढ़ती जाती है, तो ड्रिफ्ट करंट बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते जब वो डिफ्यूजन करंट के बराबर पहुंच जाएगी तो उसको हम बोल देंगे सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका सैचुरेशन पॉइंट। इसको आई नॉट यहाँ पे अगर बोला जाए तो आई नॉट हो जाएगा यहाँ पे सैचुरेशन करंट। इस एक्सिस पे क्या है, करंट है, और इसका जो रेंज होता है, रेंज नहीं ऑर्डर बोला जाए, तो वो होता है माइक्रो एम्पियर, ठीक। एक थ्योरेटिकल पॉइंट आपको और याद रखना है, इन रिवर्स बायसिंग रिवर्स सैचुरेशन करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन रिवर्स बायस वोल्टेज, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ डायोड, ठीक है। ये जो आपका रिवर्स बायसिंग सैचुरेशन पॉइंट होता है, तो ये रिवर्स बायसिंग वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और मटेरियल ऑफ डायोड पर डिपेंड करता है। तो मटेरियल ऑफ डायोड से क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे इफेक्ट पड़ेगा फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता था, तो मटेरियल पर डिपेंड करता था, ठीक है। सिलिकॉन का अलग होता था, सिलिकॉन का कितना होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, सिलिकॉन का जहां तक मुझे याद है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था, और जर्मेनियम का होता था 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो शायद आपको याद होगा, नहीं याद है तो पिछला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने बताया था, ठीक है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप पर डिपेंड करेगा, जो कि मटेरियल पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल ऑफ डायोड पर डिपेंड करता है, ठीक। रिवर्स बायसिंग में करंट की डायरेक्शन क्या होती है, एन से पी होती है, ठीक है। तो एन से पी हो जाएगा करंट की डायरेक्शन। अब अगर इसमें दोनों में कंबाइन अगर देखा जाए, ठीक है, डायोड में देखा जाए तो क्या होगा, दोनों को कंबाइन मिला के बना दो, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे चला था, ऐसे निकल गया था ऊपर, तो जहां से करंट बढ़ना शुरू हो जाए वो हो जाएगा न्यू वोल्टेज, और यहां क्या होगा, रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में नीचे करंट जाती है, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट बढ़ती जाती है। तो ये हो जाएगा आपका रिवर्स बायसिंग, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग। बस इतना आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग में P2N है, और रिवर्स बायसिंग में करंट की डायरेक्शन क्या है, N2P है, ठीक है। इसको हम लोग रिवर्स करंट दिखाने के लिए IR लिखते हैं, फॉरवर्ड करंट दिखाने के लिए IF लिखते हैं, ठीक है। तो बस इतना इसमें समझना था, और बाकी ज्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन अब समझना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो कोई क्वेश्चन बनेगा भी तो बड़े आराम से कर लोगे। तो एकदम आराम से पढ़ो, बिना स्ट्रेस के पढ़ो, ठीक है। स्ट्रेस लेके पढ़ोगे तो गेन कम हो पाएगा। तो जितना आप इनपुट दे रहे हो, तो आप एनालाइज जरूर करो कि उतना आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, बस बाकी पढ़ाई करते रहो और आगे देखते हैं। चलिए अब एक दो और थ्योरेटिकल पॉइंट वो भी हम देखते हैं। इन रिवर्स बायसिंग करंट फ्लो फ्रॉम डायोड इज नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। इसमें कह रहा है कि रिवर्स बायसिंग में जो करंट फ्लो करती है तो वो नेग्लिजिबल होती है इन कंपेयर टू फॉरवर्ड बायसिंग करंट, ठीक है। तो अब लगभग जीरो भी मान सकते हो, ठीक है। रिवर्स बायसिंग की करंट फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में लगभग जीरो मान सकते हो, कंपेयर में कंपैरिजन अगर देखा जाए फॉरवर्ड बायसिंग की करंट तो रिवर्स बायसिंग करंट से काफी ज्यादा होती है, तो रिवर्स बायसिंग करंट को जीरो भी आप मान सकते हो। तो वी कैन से दैट डायोड इज ए डिवाइस व्हिच अलाउ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। भाई देखिए, फॉरवर्ड बायसिंग करंट और रिवर्स बायसिंग करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो जब रिवर्स को हम जीरो लगभग मान ले रहे हैं फॉरवर्ड के कंपैरिजन में, तो क्या बोल सकते हैं कि डायोड ऐसा कोई डिवाइस है जो एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराता है, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में P2N की तरफ फ्लो कराएगा, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और है यहाँ पे, सिलिकॉन डायोड इज बेटर देन जर्मेनियम डायोड, ठीक है। जर्मेनियम से जो डायोड बने होते हैं उससे अच्छे डायोड होते हैं आपके सिलिकॉन के। अब क्यों, ड्यू टू मोर वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड एनर्जी गैप, रिवर्स सैचुरेशन करंट इज लेस एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज आल्सो लेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो भी कम होता है, और रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कम होती है, ठीक है, क्योंकि इसका फॉरवर्ड एनर्जी गैप ज्यादा होता है। मैंने आपको बताया था सिलिकॉन का फॉरवर्ड एनर्जी गैप होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे भी ये आप कह सकते हो कि सिलिकॉन का जो डायोड होता है वो बेटर होता है जर्मेनियम के डायोड से। तो अब इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लेंगे हम, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और मैंने अपने स्ट्रेटजी वाले वीडियो में बताया भी था कि अब इस बार ग्राफ वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, फिगर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एम्स का एग्जाम आपके जो नीट है उसमें इंक्लूड हो गया है, तो इससे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं।
देखिए यहाँ पे जो आपको फिगर दिखाया गया ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसका आउटरो मैंने बना दिया है, क्वेश्चन में एक बार बता देता हूँ आपको। फायर डायोड पोटेंशियल बैरियर ग्राफ गिवन, ठीक है। ये पोटेंशियल बैरियर ग्राफ दिया गया है यहाँ पे। वी नॉट इज पोटेंशियल बैरियर इन अनबायस कंडीशन, जो वी नॉट की कंडीशन यहाँ पे वी नॉट दिखाया गया है, तो ये बैरियर पोटेंशियल है अनबायस कंडीशन में। तो ये किसके बराबर है, वी के बराबर है। तो अगर ओ से लेकर बी आप देखोगे तो यहाँ पे अनबायसिंग है। तो अब आपको बताना है कि ओ से लेकर ए तक कौन सी कंडीशन है, ओ से लेकर सी तक कौन सी कंडीशन है, फॉरवर्ड बायसिंग है रिवर्स बायसिंग, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओ ए के लिए, ठीक है। तो ओ ए में आप देखोगे जो बैरियर पोटेंशियल वी नॉट था वी के लिए, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये अनबायस कंडीशन है। लेकिन अब जब यहाँ पे बायसिंग हो गई है तो क्या कर रहे हैं, बैरियर पोटेंशियल कम हो जा रहा है। बैरियर पोटेंशियल ये था पहले, लेकिन बाद में क्या होगा, इतना हो गया, ठीक है। तो ये कम हो गया, तो बैरियर पोटेंशियल कम हुआ इसका मतलब क्या हुआ, आप मानोगे फॉरवर्ड बायसिंग है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था। अब देखिए थ्योरेटिकल पॉइंट कहाँ यूज हो रहा है, अब इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। फॉरवर्ड बायसिंग में आपको पता होना चाहिए कि जो आपका बैरियर पोटेंशियल होता है वो कम हो जाता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग यहाँ पे हुई होगी तभी तो ये बैरियर पोटेंशियल कम हुआ। ये पहले वी नॉट था तो बाद में कम हो गया, तो इसको आप मानोगे ये है फॉरवर्ड बायसिंग, क्योंकि जो आपका वी नॉट डैश है वो वी नॉट से कम है, सॉरी ये कम होगा, ठीक है। जो वी नॉट डैश है, जो यहाँ पे फॉरवर्ड जो आपका बैरियर पोटेंशियल अब आ रहा है, ये वी नॉट डैश हो जाएगा, तो वी नॉट डैश जो है वो वी नॉट से कम है, मतलब बैरियर पोटेंशियल कम हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग। अब ऐसे हमको ओ से लेकर सी तक देखना है, तो ओ से सी में क्या हुआ, यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया, देखिए इतना हो गया बैरियर पोटेंशियल, तो बैरियर पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रिवर्स बायसिंग होगी। इसको हम मान लें वी डबल डैश है, तो वी डबल डैश जो क्या ये वी डैश से ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे रिवर्स बायसिंग है। तो बस यही बताना था क्वेश्चन में, कौन सा रिवर्स बायसिंग है कौन सा फॉरवर्ड बायसिंग है। अब वी दिया था आपको अनबायस कंडीशन में, तो अनबायस कंडीशन में वी था, ठीक है, वी नॉट था अनबायस कंडीशन में। तो अब एक बार बायसिंग हुई तो देखिए बैरियर पोटेंशियल कम हो गया, तो वो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग, और दोबारा जब बैरियर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इसका मतलब वहां पे रिवर्स बायसिंग हुई होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ नहीं है, बस समझने वाली बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका टेम्परेचर में कंपेरिजन पूछा गया, टी वन ग्रेटर देन टी टू या टी फोर और टी फाइव में रिलेशन आपको बताना है। नी वोल्टेज दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, फॉरवर्ड करंट है यहाँ पे, रिवर्स करंट है, ये अप्लाइड वोल्टेज दोनों तरफ दिए गए हैं। क्वेश्चन है इन ये डायोड ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, ठीक है, ये क्या है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है यहाँ पे किसी डायोड का, तो टेम्परेचर में आपको बताना है कि क्या इफेक्ट हो गया, टेम्परेचर में क्या रिलेशन हो गया, ये बताना है। देखिए जब टेम्परेचर आपका बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है तो पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो कम होता है, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर को वी नॉट से हम लिखा, तो पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे कम होता है, तो पोटेंशियल बैरियर जब कम होगा तो नी वोल्टेज भी कम होगा, ठीक है, तो नी वोल्टेज भी कम होगा, नी वोल्टेज भी कम हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो आपका पोटेंशियल बैरियर जो था वो कम हुआ और नी वोल्टेज भी कम हुआ। तो देखिए अब नी वोल्टेज जिसका कम होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर और नी वोल्टेज में क्या है, इन्वर्स रिलेशन, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो नी वोल्टेज कम हो रहा है, इसका इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, वन बाय। तो अब क्या होगा, जहां जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका नी वोल्टेज कम, या जिसका नी वोल्टेज कम उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो देखिए नी वोल्टेज इसका टी वन का यहाँ पे है और टी टू का यहाँ पे है, तो नी वोल्टेज किसका कम है, इस एक्सिस पे चलोगे तो नी वोल्टेज यहीं पे मिल रहा है, तो टी वन का नी वोल्टेज कम, मतलब टी वन टेम्परेचर ज्यादा, ठीक है, तो टी वन हो जाएगा ज्यादा और टी टू हो जाएगा कम, मतलब टी वन इज ग्रेटर देन टी टू। ऐसे अगर यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे T4 इज ग्रेटर देन T5 हो जाएगा, ठीक है, T4 इज ग्रेटर देन T5, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट करंट बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि ड्रिफ्ट में क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज के रिस्पॉन्सिबिल होते हैं ना, ब्रेकडाउन आप जब बॉन्डेड होता है, बॉन्ड का जब ब्रेकडाउन होता है उसके बाद ही करंट फ्लो करता है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं उनका फ्लो बढ़ जाता है, तो वहां से ड्रिफ्ट करंट बढ़ती है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ड्रिफ्ट करंट बढ़ती जाएगी, इसका मतलब ड्रिफ्ट करंट टी फोर पे ज्यादा है तो टी फोर ज्यादा रहा होगा, तो टी फोर इज ग्रेटर देन टी फाइव हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पहला देखना है यहाँ पे टी वन इज ग्रेटर देन टी टू कैसे हुआ, यहाँ नी वोल्टेज आपको देखना था, टेम्परेचर बढ़ाए बैरियर पोटेंशियल कम हुआ, बैरियर पोटेंशियल कम हुआ तो नी वोल्टेज भी कम हुआ, और टेम्परेचर और नी वोल्टेज में हमने रिलेशन निकाल लिया, तो इन्वर्स रिलेशन आया, मतलब जिसका नी वोल्टेज कम उसका टेम्परेचर ज्यादा, तो टी वन का नी वोल्टेज कम था तो टी वन टेम्परेचर ज्यादा हो गया, टी टू हो गया कम। अब हमको यहाँ पे देखना है ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड टाइप ऑफ ब्रेकडाउन, कितने टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है। तो देखिए जब बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है, एट वेरी हाई वोल्टेज लार्ज अमाउंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रेकन इन डिप्लेशन लेयर, बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई करने पे जो डिप्लेशन लेयर होती है वहां पे बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड एक साथ टूट जाते हैं, तो इससे क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से रिवर्स करंट बहुत तेजी से इंक्रीज करती है, ठीक है, रिवर्स करंट जो IR होती है बहुत सडनली इंक्रीज करती है, तो इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे। देखिए वोल्टेज यहाँ पे बढ़ा रहे हो, ठीक है, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अब इस एक्सिस पे जा रहे हो, तो बहुत हाई वोल्टेज पे क्या होगा,
अचानक से रिवर्स करंट जो होगी वो बढ़ रही, देखिए यहाँ से अचानक से बढ़ती हुई करंट आपको दिख रहा है। अब रिवर्स देखिए, इसके डायरेक्शन रिवर्स होती है, इसीलिए हम लोग इसको नीचे दिखा रहे हैं। ठीक है, इस ग्राफ को नीचे क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होता है वो एन से पी की तरफ होता है, मतलब डिफ्यूजन करंट से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो डिफ्यूजन को हम लोग ऊपर दिखाते हैं तो ड्रिफ्ट को हम लोग नीचे दिखा रहे हैं, तो जो रिवर्स करंट है वो नीचे की तरफ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद अचानक से आपका जो रिवर्स करंट है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, सडनली इंक्रीज हो रहा है। तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, आफ्टर ब्रेकडाउन डायोड अलाउ करंट इन रिवर्स बायस, मीन्स डायोड लूज इट्स प्रॉपर्टीज, सो डायोड नेवर यूज इन ब्रेकडाउन रीजन। यहाँ पे कहा गया है कि डायोड वो बेकार हो जाता है, फिर से वो ब्रेकडाउन रीजन में यूज नहीं किया जाता। ठीक है, डायोड अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है आफ्टर ब्रेकडाउन। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जब भी डायोड यूज करते हैं कोई, तो उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है उससे नीचे ही यूज करते हैं, उस वोल्टेज तक जाने नहीं देते हैं, नहीं तो वहां पर डायोड वो बेकार हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रेकडाउन। अब दो तरह के ब्रेकडाउन यहाँ पे होते हैं, एक तो होता है जेनर ब्रेकडाउन, एक होता है एब्लांके ब्रेकडाउन। ठीक है, तो दोनों को हम लोग को देखना है यहाँ पे। जेनर डायोड पे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देखना, वहां पे जेनर डायोड के क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे एक टेबल हमने बनाया हुआ है, ठीक है, जेनर ब्रेकडाउन का भी, एब्लांके ब्रेकडाउन का भी, दोनों को देख लेते हैं। कंपेरिजन करके पढ़ो ना तो आसानी से याद होता है। ठीक है, कंपेरिजन जब करके पढ़ोगे तो आसानी से याद होगा। अब यहीं आप देख लोगे जेनर में क्या होता है, एब्लांके में क्या होता है, तो आप एक याद कर लो दूसरा वैसे याद हो जाता है। तो देखिए, अब यहाँ पे जेनर में क्या होता है, हियर कोवेलेंट बॉन्ड इन डिप्लेशन लेयर आर सेल्फ ब्रेक ड्यू टू हाई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं डिप्लेशन लेयर में, तो वो अपने आप ही टूट जाते हैं ड्यू टू हाई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है डिप्लेशन लेयर में, वो कल मैंने समझाया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जनरेट होती है। वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, क्योंकि एन टर्मिनल जो होता था वो हाई पोटेंशियल पे होता था, पी टर्मिनल होता था वो लो पोटेंशियल पे होता था, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आता था जिससे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती थी। तो उसी हाई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेल्फ ब्रेकडाउन होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, तो उसकी वजह से जेनर ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, जेनर ब्रेकडाउन में हमने देखा, एब्लांके में क्या होता है, हियर कोवेलेंट बॉन्ड इन डिप्लेशन लेयर इज ब्रेक ड्यू टू कोलिजन ऑफ हाईली एक्सेलरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। यहाँ पे कोलिजन होता है हाईली एक्सेलरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का, उसकी वजह से ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ब्रेक ड्यू टू कोलिजन। अब देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ भी टूटा है, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ भी टूटा है, यहाँ टूटा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये आपको याद रखना, जेनर ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ब्रेकडाउन होता है बॉन्ड का, और यहाँ पे कोलिजन होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का। ठीक है, हाईली एक्सेलरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, उनके कोलिजन जब होता है तब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है। ठीक है, अब देखिए जेनर डायोड में क्या होता है, यहाँ पे डोपिंग लेवल काफी हाई होता है। ठीक है, जेनर डायोड में क्या होता है, जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, डोपिंग लेवल हाई होता है। ठीक है, डोपिंग लेवल हाई होता है एब्लांके ब्रेकडाउन में, डोपिंग लेवल लो होता है, बस ये आप कहते हैं जेनर में हाई। ठीक है, डोपिंग लेवल हाई होता है इसमें, एब्लांके में लो होता है। अब देखिए फिर से जेनर में देखना, हियर डायोड डज नॉट परमानेंटली डैमेज। जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, जो डायोड होता है वो परमानेंटली डैमेज नहीं होता है, तो बस इसमें इसका उल्टा होता होगा, डायोड परमानेंटली डैमेज। एब्लांके ब्रेकडाउन में क्या हो गया, डायोड परमानेंटली डैमेज होता है। बस ये तीन पॉइंट है, तीनों याद रखना है। ठीक है, जेनर ब्रेकडाउन के लिए तीन पॉइंट है, एब्लांके ब्रेकडाउन के लिए, तो बस इसमें याद रखना, जेनर में क्या होगा, डोपिंग हाई होती है, ये परमानेंटली डैमेज नहीं होता है। एब्लांके में याद रखना, डोपिंग लेवल कम होता है या लो होता है, और डायोड जो होता है वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है। और दूसरी बात जो याद रखनी थी, जो ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का, वो होता है हाई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और एब्लांके में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं वो कोलिजन ऑफ हाईली एक्सेलरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। बस ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, अब जेनर ब्रेकडाउन पे तो आपके क्वेश्चन भी आया हुआ, न्यूमेरिकल भी पूछा गया। ठीक है, तो उसको भी आप करेंगे। अभी इस चैप्टर की सबसे जरूरी बात, ठीक है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, वो चेकिंग ऑफ बायसिंग ऑफ डायोड। ठीक है, तो आपको चार डायोड बना के दे देता है, तो उसमें पूछता है कि उसमें रिवर्स बायसिंग है, किसमें फॉरवर्ड बायसिंग है, ये कितने में रिवर्स बायसिंग है, कितने में फॉरवर्ड बायसिंग है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको जब बायसिंग देखनी हो, तो देखिए पी और एन टर्मिनल यहाँ पे दिया गया है, तो ये पी टर्मिनल का पोटेंशियल है, ये एन टर्मिनल का पोटेंशियल है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था VA माइनस BB, तो वैसे BP माइनस VN करेंगे, तो BP माइनस VN जब पॉजिटिव आ जाए तो समझ लो फॉरवर्ड बायसिंग। तो पॉजिटिव कब आएगा, जब ये वाली वैल्यू ज्यादा हो, ये कम हो, भाई इससे हम घटा रहे हैं इसको, जब VP माइनस VN करें तो ये जब ज्यादा होगा ये कम होगा, तभी ये पॉजिटिव आएगा, तो हो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग। तो क्वेश्चन में घटा देना किसको, इसमें से इसको घटाना। ठीक है, पी टर्मिनल के जो पोटेंशियल दिया होगा उससे एन टर्मिनल को घटाना, तो जैसे पॉजिटिव आ जाएगा तो फॉरवर्ड बायसिंग, नेगेटिव आ जाएगा तो रिवर्स बायसिंग, और अगर जीरो आ जाएगा तो अनबायसिंग, समझ लो बायसिंग ही नहीं है।
ठीक है। तो इसपे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको आपको याद ही करना है, बिल्कुल रट लो कि जब भी इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कहां से पी से एन तक निकालना है, एन टू पी मत निकाल देना, ठीक है। बीपी माइनस बीएन करना, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फॉरवर्ड बायसिंग, निगेटिव आ रहा है तो रिवर्स बायसिंग, और अगर जीरो आ रहा है तो अनबायस्ड, मतलब कि ये बायसिंग हुई ही नहीं इसकी। अब इस पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया ये पी टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ठीक है, ये पी है, ये एन है, यहाँ पे 5 वोल्ट दिया गया, यहाँ पे 2 वोल्ट दिया गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, बीपी माइनस बीएन करना है, ठीक है। बीपी माइनस बीएन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फॉरवर्ड बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग है। अब बीपी क्या दिया, माइनस 5 वोल्ट दिया गया है, और फिर माइनस बीएन करना था, ठीक है, तो बीएन माइनस 2 दिया है, तो माइनस माइनस 2 वोल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 तो हो जाएगा माइनस 3, मतलब ये हो जाएगा रिवर्स बायसिंग की कंडीशन, ठीक है। वैसे भी आप याद रखो माइनस 2 इधर है, माइनस 5 इधर है, तो माइनस 5 ज्यादा है कि माइनस 2, भाई ऑब्वियस ही बात है माइनस 2 ज्यादा होगा, तो जब आगे जो एन टर्मिनल है उस पर ज्यादा पोटेंशियल आ रहा है, इसको मतलब ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो सीधे माइनस करके निकालो, ठीक है। हमने बीपी माइनस बीएन किया, यहाँ पे माइनस 3 वोल्ट आ गया, तो माइनस 3 वोल्ट आएगा, तो ये हो गया रिवर्स बायसिंग, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे देखो, अब यहाँ बीपी माइनस बीएन करो, ठीक है, बीपी माइनस बीएन जब करोगे, बीपी दिया 5 वोल्ट, माइनस 2 वोल्ट दिया जाएगा 3 वोल्ट, प्लस 3 वोल्ट मीन्स ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायसिंग। बस ऐसे क्वेश्चन निकालते जाओगे, बहुत बार पूछा गया यार। और जब अर्थिंग कर देना, तो जिस टर्मिनल का अर्थिंग कर देगा तो उसका पोटेंशियल आप जीरो मान लेना, जैसे यहाँ पे अगर जीरो दिया होता तब आप क्या करते, तब बीपी माइनस बीएन करते तो 5 माइनस 0 कर देते, तब भी 5 आता, तब भी ये फॉरवर्ड बायसिंग हो जाती है। जहां पे अर्थिंग वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए हैं, तो अर्थिंग से आपको याद रखना है कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो मान के चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर माइनस दे देता, ठीक है, माइनस 2 यहाँ पे 0, तो अब कौन सा ज्यादा है, तो अब 0 ज्यादा हो जाएगा, माइनस 2 से तो 0 ज्यादा होता है ना, तब ये रिवर्स बायसिंग कंडीशन हो जाती है, ठीक है। जब आप बीपी माइनस बीएन करोगे तो बीपी हो जाएगा माइनस 2, यहाँ करोगे माइनस 0 तो ये आ जाएगा माइनस 2, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायसिंग की कंडीशन। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है, क्वेश्चन करना भी है, जो आपके सॉल्व पेपर में क्वेश्चन जितने भी दिए गए उनको करना, एकदम धड़ाधड़ निकलेंगे, कुछ है नहीं यार उसमें। इतना अगर आपने कर लिया, अच्छे से सुना है, अगर अच्छे से देखा है आपने, तो वो क्वेश्चन उनकी कोई औकात ही नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो फॉर आइडियल डायोड V जो होता है वो जीरो होता है, बैरियर पोटेंशियल जो आइडियल डायोड के लिए होता है वो होता है जीरो। अब देखिए इन फॉरवर्ड डायोड, ठीक है, इन फॉरवर्ड बायसिंग डायोड R इज इक्वल टू जीरो, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है जो इसका फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में, तो होता है जीरो, ठीक है। अब जीरो, तो अब यहाँ पे करंट अगर आपको निकालनी है तो पहले क्या करो, इसके इक्विवेलेंट एक सर्किट बना लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आर, क्या हो जाएगा जीरो, फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में आर क्या हो जाता है जीरो। तो यहाँ पे वी है तो ये हो जाएगा R, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई R। तो अब आपके मन में आ सकता है कि जब R मैंने कहा जीरो है तो फिर V बाई R क्यों लिखा, तो भाई ये रेजिस्टेंस इसका है, ठीक है, सर्किट में रेजिस्टेंस है, ये जो R की हम बात कर रहे हैं वो इसके रेजिस्टेंस की बात हो रही है, जो आपका डायोड है उसके रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो डायोड का रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायोड ना लगा के आप सिंपल वायर भी लगा सकते हो, ठीक है, डायोड समझो लगा ही नहीं, सिंपल वायर लगा के आप करंट निकाल सकते हो, जब उसका रेजिस्टेंस ही जीरो होगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो रेजिस्टेंस होता है डायोड का वो होता है जीरो, तो करंट निकालने के सीधे आप वी बाई आर कर लोगे, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी वो हो जाएगी आई इज इक्वल टू वी बाई आर। अब इसी तरीके से हमको रिवर्स बायसिंग में देखना है, तो इन रिवर्स बायसिंग आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता है तो वो सर्किट ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है, तो जहां पे डायोड है उसको ओपन सर्किट आप बना दोगे। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, जब करंट फ्लो नहीं करेगी तो उसको ओपन सर्किट माना जा सकता है। ये हो गया आपका रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में, तो यहाँ पे करंट हो जाएगी जीरो, यहाँ पे जो करंट निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी जीरो, क्योंकि ओपन सर्किट हो गया। रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता है डायोड का वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, दैट्स मीन वो सर्किट ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी, तो करंट वहां पे जीरो हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जब कोई सर्किट पूछा जाता है डायोड को मिला के, तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज जानना आपको, ठीक है। और नहीं जैसे बैरियर पोटेंशियल अगर पूछना भी होता है या उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट दिया, तो क्वेश्चन में दिया जाता है कि ये डायोड लगा हुआ है, इसका बैरियर पोटेंशियल इतना है, तो फिर आप करंट बताओ, तो जो भी पोटेंशियल एक्सटर्नल आप अप्लाई करोगे उससे बैरियर पोटेंशियल को माइनस कर देना, उसके बाद करंट निकालना, तो आराम से क्वेश्चन करोगे आप। वो भी क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये जेई 2020 में आया था, ये इसी साल क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपको करंट बतानी है। देखिए आप, ये 500 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपका डायोड लगा है, एक डायोड यहाँ पे लगा है,
ठीक है। तो ये ऐसे करंट जाके आप कैसे करंट इसमें फ्लो करेगी, कहाँ कहाँ से होके जाएगी, आपको पूरी करंट निकालनी है यहाँ पे। तो आप चाहो तो एक्सटर्नल सर्किट एक बना लो अलग से, वरना कोई जरूरत मैं इसमें समझा देता हूँ, आप कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ से करंट निकलेगी, ठीक है, करंट यहाँ से निकलेगी, ऐसे जाएगी। अब ये तो मैंने लिख दिया पहले ही, सर यार थोड़ी सी गलती हो गई इसमें, ये रिवर्स बायसिंग मैंने पहले ही कर दिया। ये क्वेश्चन में दिया नहीं गया था कि रिवर्स है कि फॉरवर्ड, वहाँ पे आपको खुद ही पहचान के उसमें करना था, ठीक है। तो रिवर्स बायसिंग मैंने पहले ही लिख दिया, तो करंट जब जाएगी तो रिवर्स बायसिंग में अब यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगी, रिवर्स बायसिंग उल्टी करंट जा नहीं सकती, तो यहाँ कोई करंट नहीं जाएगी। तो अब इसके पास रास्ता यहाँ बचा, दो ही रास्ते थे। अब देखिए यहाँ से करंट आएगी, अब यहाँ पे फिर दो रास्ते हैं, करंट इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है, लेकिन यहाँ से फिर से उल्टी करंट जानी पड़ेगी, रिवर्स बायसिंग है, ठीक है। तो यहाँ भी नहीं जा सकती, रिवर्स बायसिंग कैसे, देखो यहाँ से क्या है, इसका ऐसे चल के जाओगे तो इसका जो ये होगा पी टर्मिनल होगा ये एन टर्मिनल, तो पी टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ये हो जाएगा रिवर्स बायसिंग। ऐसे यहाँ पे देखोगे इसका पी टर्मिनल है ये एन टर्मिनल है, तो एन टर्मिनल इसका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ये भी रिवर्स बायसिंग हो गया। तो ये आपको पहचानना था, ये तो मैंने पहले ही लिख दिया, तो करंट यहाँ भी नहीं जाएगी, ठीक। तो करंट यहाँ से फ्लो करके यहाँ आएगी ऐसे होते हुए, इस रेजिस्टेंस में होते हुए अब ऊपर पहुंच जाएगी, अब इधर तो जा नहीं सकती क्योंकि आगे रास्ता ही बंद है, तो फिर करंट यहाँ चली जाएगी, ठीक है, उल्टी करंट थोड़ा ना जाएगी। अब यहाँ आके करंट यहाँ पे निकल आएगी, तो करंट आपकी यहाँ से फ्लो करते ऐसे 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 होते हुए यहाँ से ऐसे निकल के जाएगी। तो आई इज कल टू वी वाई आर होता है, वी दिया आपको 5 वोल्ट, अब आर देखना है आपको, तो 500 500 500, तो ये हो जाएगा 1500 ओम। अब 1 kg ओम यहाँ पे दिया, तो टोटल हो जाएगा 2.5 kg ओम या 2500 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो 5 mA करंट हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी करंट फ्लो करेगी, 5 mA करंट यहाँ से जाएगी। ये आपके जेई मेंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन टफ था, लेकिन वही कॉन्सेप्ट वाली बात है, कॉन्सेप्ट था इसमें रिवर्स बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग का, तो वो आपको पता था, तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व करके आते। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके जेई का, जो लेवल है तो थोड़ा सा ऊपर ही होता है नीट से, तो बस ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन अब एडवांस में बहुत अच्छे पेपर बनते हैं, और जेई मेंस का जो लेवल है लगभग लगभग नीट के बराबर ही होता है, ठीक है। आप सिमिलर मान सकते हो, सिमिलर तो नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग लगभग बराबर बोल सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा लेवल जो जेई मेंस का होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे मैथ पढ़ाई जाती है, तो जिस क्वेश्चन में ज्यादा मैथमेटिक्स यूज होता है तो वो क्वेश्चन मोस्टली नीट में दिया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखना है, ये भी जेई मेंस 2020 का ही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपका एट टी इक्वल टू आर सी, ठीक है, टाइम कांस्टेंट पे आपको बताना है, फाइंड चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर, दो कैपेसिटर यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें स्टोर चार्ज बताना है हमको, टाइम दिया गया है टी इक्वल टू आर सी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज थे, ये मैंने दिखाया नहीं, दिखा देता हूँ, इधर निगेटिव चार्ज है, क्योंकि कैपेसिटर में क्या होता है, इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं दोनों प्लेट पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो देखिए अब पहले कैपेसिटर में हमको देखना है, तो यहां देखो कि इसका जो पॉजिटिव प्लेट है वो इसके पी एंड से जुड़ा है, ये पी एंड होगा, ये एन एंड होगा, तो पी टर्मिनल पॉजिटिव से जब जुड़ा है तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग, तो फॉरवर्ड बायसिंग में तो करंट फ्लो करती है। और दूसरे वाले में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग हो जाएगा, तो रिवर्स बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो यहाँ पे चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू सी वी हो जाएगा, ठीक है, जो होता है चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू सी वी, तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टोर चार्ज कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज फ्लो करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग कंडीशन। अब यह है फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन, तो अब फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है, चार्ज का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा तो करंट भी फ्लो करेगा, ठीक है। तो वो हमको देखना है कि यहाँ पे कितना चार्ज स्टोर होगा, ये हमको यहाँ पे देखना है आपको। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो उसका फार्मूला होता है क्यू इजकल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है, ये डिस्चार्जिंग की कंडीशन में होता है। तो अब देखिए क्यू इजकल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस, अब टी की जगह क्या दिया, आर सी दिया था, आर सी पे आपको पूछा गया था, तो आर सी अपॉन आर सी, तो आर सी कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर माइनस वन बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू इजकल टू क्यू नॉट और ई की पावर माइनस वन, ई की पावर माइनस वन लिख लो। अब क्यू नॉट की वैल्यू कितनी रही होगी, क्यू इजकल टू सी भी रही होगी, ठीक है। क्यू नॉट की वैल्यू अगर देखा जाए, इनिशियल चार्ज स्टोर कितना रहा होगा, सी भी जितना यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लो चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी भी बचा रह गया था, तो मैंने बता दिया था इसमें कितना आ गया था, सी भी यहाँ हमको देखना है। तो क्यू नॉट की जगह लिख दोगे आप सी भी, और ई की पावर माइनस वन लिखो या ई अपान वन अपान ही कर दो, तो बात तो एक ही है, कि पावर माइनस वन है तो ये नीचे आ जाएगा। तो जो पहला वाला कैपेसिटर दिया गया उसमें स्टोर चार्ज होगा सी बी वाई, दूसरे वाले कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो जाएगा सी बी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी बी और सी बी दिया, ये हो नहीं सकता, पहले वाले में यहाँ पे सी बी दिया, ये भी नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन में जो आपका थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे तीसरा है, तो यहाँ पे फर्स्ट कैपेसिटर में क्या सी बी वाई, तो ठीक है सही है। सेकंड कैपेसिटर में ये सी है, सी बी कहा गया, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी जेई मेंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो ये क्वेश्चन आपके एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें बैरियर पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट यूज होना है, तो उसके लिए दो तीन थ्योरेटिकल पॉइंट पहले हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अगर बायसिंग हुई है, ठीक है, ये बायसिंग हुई है, तो व्हेन अप्लाइड वोल्टेज, जब कोई वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो तो वो अगर बैरियर पोटेंशियल से कम है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। अगर वी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो और वो बैरियर पोटेंशियल से कम है या उसके बराबर है तो करंट हो जाएगी जीरो, ठीक है। अगर अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा है बैरियर पोटेंशियल से तो करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो करंट फ्लो कैसे करेगी, तो आप करंट निकालोगे V इक्वल टू जो आएगा तो V माइनस V नॉट अपॉन R, ठीक है। तो ये करंट फ्लो करेगी जो अप्लाइड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होगा, तो जो अप्लाई करोगे उसको उसमें से बैरियर पोटेंशियल को माइनस कर दोगे अपॉन R करोगे तो करंट निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। तो अब ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो यहां पे पूछा गया आपको करंट कितनी होगी, तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, यहां पे जाएगी, सिलिकॉन का डायोड है, यहां पे जर्मनियम वाला डायोड लगा हुआ है। तो सिलिकॉन का अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल बैरियर मैंने बताया था 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मनियम को बताया था 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये ज्यादातर क्वेश्चन में दे दिया जाता है, अगर नहीं भी दिया होगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वहां आप रोने तो लगोगे नहीं बैठ के, क्या है हमको दिया नहीं गया तो हम कैसे करेंगे, ना करना पड़ेगा भाई, सबको करना पड़ेगा, उसका नंबर तभी मिलेगा। तो हो सकता है थोड़ा सा टफ बनाने के चक्कर में वैल्यू ना दी जाए, चेक कर ले कि आपको याद है कि नहीं याद है। तो यहाँ पे करंट निकालना है, तो अब देखो करंट जाएगी किसमें, तो यहां से आप जा रहे हो तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो अब ये इस डायोड का हो जाएगा पी टर्मिनल, ये हो जाएगा एन टर्मिनल, ये हो जाएगा पी टर्मिनल, ये हो जाएगा एन टर्मिनल, ठीक है। तो पी टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा, इसका मतलब ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग, ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग, इसका हो जाएगा रिवर्स बायसिंग, क्योंकि इसका जो एन टर्मिनल हो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग है तो इसमें तो कोई करंट जाने वाली नहीं, तो अब ये सर्किट हो गई बेकार। तो ऊपर वाली सर्किट जो है उसी में करंट फ्लो करेगी, तो आई इक्वल टू, मैंने बताया था कि अगर अप्लाइड वोल्टेज वेरियर वोल्टेज से ज्यादा है तो V माइनस V नॉट करोगे अपान R करोगे करंट आ जाएगी। तो अप्लाइड वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट है, और माइनस इसका जो आपका पोटेंशियल वेरियर है वो 0.7 वोल्ट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0. इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने बता दिया, वोल्ट होगा, ठीक है, 0.7 वोल्ट। वेरियर पोटेंशियल तो वोल्ट ही होता है ना, वो फॉरवर्ड एनर्जी गैप होता है, तो जब एनर्जी होता तब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता, अरे वोल्टेज होगा तो केवल वोल्ट में होगा ना, ये दोनों में गलती कर दी हमने, 0.3 वोल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 0.7 वोल्ट अपान आर, आर की वैल्यू दिया 1 kg, ठीक है, 1 kΩ दिया गया है, तो ये हो जाएगा 1 kΩ। तो जब 3 माइनस 0.7 करोगे तो यहाँ पे आएगा 2.7, और 10^-3 तो ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे निकल के आएगा 2.7 मिली एम्पियर, ठीक है। ये आपके एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, नीट 17 में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, उसके पहले भी बहुत बार पूछा गया। तो आप लोग बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और हम आपको जेनर डायोड के कुछ क्वेश्चन और करा देंगे, ठीक है। जेनर डायोड के कुछ क्वेश्चन हम जब और आगे कवर करेंगे इसका सिलेबस, तो उसमें बता देंगे, बाकी इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना होगा। तो इतना तो सफिशियंट है जितना मैंने करा दिया है, तो इसके बेसिस पे आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया है। तो मेन चीज मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, केवल और केवल क्वेश्चन रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन रटने से आप अच्छे नंबर तो ला सकते हो, 20-22 क्वेश्चन कर ले जाओगे, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन चाहिए, तो सिलेक्शन के लिए हार्ड वर्क कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। लॉकडाउन चल रहा है तो इसका अच्छे से यूज कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों की शिकायत भी रहती है कि वीडियो थोड़ा लेट में आती है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है वीडियो बनाने में अभी, क्योंकि लॉकडाउन में घर पर फंसा हुआ, तो यहाँ बहुत सारी मुसीबत झेल के वीडियो बनानी पड़ती है। तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर करते रहे, हम कोशिश करते हैं कि वीडियो जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कराते रहें और सिलेबस हम कम्प्लीट कराएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।